आज के इस सेशन में हम टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज, जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना, लव ईच अदर, केयर ईच अदर, हेल्प ईच अदर। उसमें एक तरफ दुधारी तलवार है हमारे सामने, हाउ टू फेस कोरोना चैलेंज साइमल्टेनियसली विद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेरोजगारी और महंगाई। एंड एक पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। तो चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज के करस्पॉन्डिंग क्या चैलेंजेस हैं, तो आज मेजरली इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एंड एक स्पेशल पर्सन हम आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट काबिलियत स्टार्ट किया। इनफैक्ट इंजीनियरिंग साइड स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे हैं, यंग हैं। उन लोगों ने, उनसे भी बात करेंगे कैसे उन लोगों ने किया है, और भी हमारे काफी लोग पार्टिसिपेंट हैं, इस टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम, जो सिनेरियो चल रहा है। Some people are taking it as a challenge and started some good things. तो सिद्धांत गैरोला जी हैं, गुड इवनिंग नदीम सर। एंड मेजर जो टॉपिक है अभी तक जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस और जो परेशानियां होती हैं या आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। तो हमारे साथ सिद्धांत गैरोला जी हैं जिन्होंने कनेक्ट किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लाइक प्रोजेक्ट काबिलियत। एंड उनसे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और भी लोग हैं जो इस पे, भाई अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन। गवर्नमेंट पे या किसी पे हम दोषारोपण करके तो जिंदगी जी नहीं सकते भाई। 10-20-50 साल जो हैं अवेलेबल बचे हैं इंडिविजुअल के अलग अलग तरीके से, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन लाइक दैट। तो मेजर ये टॉपिक रहेगा। एंड शहर मैम लखनऊ से, रिद्धि मैम है पटना से, नदीम सर हैं और सिद्धांत गैरवला जी हैं। प्रोजेक्ट का काबिलियत काफी जगह स्टेट्स में ये रन कर रहे हैं। तो नदीम जी, कैसे क्या इन लोगों ने क्या किया, कैसे क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन एंड हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं क्या। मैम प्लीज आप अपना इनपुट दीजिए। आफ्टर दैट सॉल्यूशन तो अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि रोजगार की कमी बहुत ज्यादा आ चुकी है इस वक्त। और लोगों को काफी, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो टीचिंग लाइन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, उनके टोटली काम बंद पड़े हुए हैं आज इस वक्त में। नहीं यार, देखो बहुत जगह से नौकरियां गई हैं, लेकिन यू हैव टू गो एंड ये तो मुझे लगता है कि आपको खुद के मर गए ही स्वर्ग दिखाई देगा। आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, खुद ही काम करने पड़ेंगे, छोटे मोटे काम करने पड़े, बड़े काम करने पड़े, यू हैव टू गो। मतलब आपको, आप जो लिंक लोग हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, गवर्नमेंट की या किसी और की हेल्प लेना, इट इज नॉट लाइक दैट। तो सिद्धांत जी, मुझे प्रोजेक्ट जो काबिलियत है, हाउ यू स्टार्ट इट एंड क्या है इसमें, क्या संभावनाएं हैं, और जो अभी आज के समय में जो चैलेंजेस हैं हर इंडिविजुअल पे, तो उसको कैसे मतलब आपकी तरफ से सजेशन क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम, आप हमारे गुरु रहे हैं। इनफैक्ट आप 2010 का मेरा स्टूडेंट है, बहुत 2010 का मेरा स्टूडेंट है। थैंक यू। बताइए बताइए। तो मैंने अभी पिछले साल ये देखा काफी समय से कि हमारे देश में एक ऐसी बीमारी आई जिसने सबको, लोगों को फिजिकली भी लॉस कर दिया, मेंटली भी लॉस कर दिया, हर प्रकार से व्यक्ति का 2 सालों में पिछले नुकसान। और हमारी सरकार, लोगों ने जो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सिद्धांत जी, नेटवर्क इज देयर, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आई थिंक सो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, नाउ नाउ अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। यस जी सर, ऑडिबल? हाँ ऑडियो वाला, ऑडियो वाला।
जी सर, मेरा कहना ये था मुंबई से कि अंकुर सिंह जी भी जुड़े हैं अभी। हाँ यस, कंटिन्यू करिए आप। मेरा सभी लोगों से कहना ये था कि इंसान इस जन्म में, मतलब इस जीवन में जन्म लेता है तो भगवान उसको एक कला के साथ भेजता है, और ये तो फैक्ट है, सभी को आपको पता है कि आप सभी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं कि कला के बिना या उस कला को सीखे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने इसी चीज को लेकर के एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया प्रोजेक्ट काबिलियत, जिसमें जो सर का मेन पॉइंट है, इस पूरी मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, बेरोजगारी और महंगाई, दोनों को ही कोप अप कर लेगा। आप अभी फिलहाल की कंडीशन में ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर की स्कीम्स निकाली हैं, लोगों को काफी सारे मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी प्राइवेट लोग काफी इस प्रोजेक्ट के तहत आगे आ रहे हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का ही प्रोजेक्ट है। मेनली उस प्रोजेक्ट में क्या है, उसका नाम उसके बारे में सब कुछ बयां कर देता है। उसके प्रिविलेज लोगों को मिल पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, आपके माध्यम से कहीं मिले हैं या ना मिले, या मतलब इस टाइप का कुछ है? सर अभी तक तो कुछ इसके ऊपर आपको कंफर्म कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी कोरोना आ गया था तो उसकी वजह से जो मेन फोकस हो गया था प्रशासन का वो कोरोना की तरफ हो गया था। तो इसमें क्या है कि प्रशासन पैसा पहुंचा नहीं पाया है इन सेक्टर्स में जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम थी, तो उसके कारण क्या है कि वो जो जैसे कि अभी बीच में योजना आई थी कि 10,000 रुपए सरकार लोगों को डाल रही है नए स्टार्टअप्स करने के लिए, लेकिन वो योजना सरकार की तरफ से फेल हो गई। फेल नहीं मतलब एग्जीक्यूट नहीं, फेल तो नहीं कहेंगे मतलब, लेकिन अमली जामा अभी इफेक्टिवली नहीं हो पाई। नहीं देखो ऐसा है कि कम से कम 50-20-30 प्रोजेक्ट से सिद्धांत जुड़ा होगा जिनको, जिनमें जो स्किल है ऑलरेडी स्किल है उसको एनहेंस करते हुए उसने काम स्टार्ट करवाए लोगों के, मतलब अगर कोई डांस करना चाहता है तो ये डांस का लाइक दैट, या अगर कोई पेंटिंग में एक्सपर्ट है तो पेंटिंग के, या जिसमें एक्सपर्ट है जो कला है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली उसने काम स्टार्ट कराए हैं, तो उनको किसी को भी जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिला उसका फायदा हुआ है किसी को, या मिला है फंड? हम लोगों ने सर गवर्नमेंट की तरफ तो कुछ अप्लाई किया नहीं था, लेकिन जितने भी लोगों ने मतलब आसपास के हमारे जो लोग हैं जिन्होंने उस चीज में अप्लाई किया था, अभी तक तो वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है सर प्रशासन की तरफ से। अच्छा, लेकिन तो इन प्रोसेस अब आई होप कि ये कोरोना का लॉकडाउन समाप्त हुआ है तो उसके कारण हो सकता है कुछ बदलाव आए। नहीं जैसे नहीं हो पा रही तो हाउ यू सजेस्ट, एक इंडिविजुअल है जो 22 था तुमसे, तो अब तुम तो 27-28 साल के हो गए, जो अभी पास आउट हुआ है लड़का, और अल्टीमेटली जिसका लास्ट सेशन ऑनलाइन पढ़ के निकला है, तो हाउ वो कैसे अप्रोच करे जॉब के लिए, घर वाले भी पैसे देने के लिए मना कर दिए कि भाई क्या करें क्या ना करें, उनके पास भी पैसा नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों के पास कहाँ पैसा है यार, तो उसके कैसे आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो यंगस्टर्स हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, मैं उनको बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि सर ऑनलाइन स्टडी ने क्या किया है कि लोगों की प्रैक्टिकलिटी खत्म कर दी है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति के पास नहीं है, सिर्फ थ्योरी जो उसने सुन ली तो वो तो सर पहले भी किया। सिद्धांत तो उसके कारण आज कमाल हो गया, आज जो एजुकेशन सिस्टम में लास्ट कील थी वो भी ठुक गई अभी 15 मिनट पहले, मतलब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में एक कील बची थी जो 12th 10th का एग्जाम था वो पहले ही खत्म हो चुका था, और अभी 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है 12th के एग्जाम भी रद्द हो चुके हैं, और 12th के एग्जाम रद्द होने का मतलब है कि जो IIT में कैसे जाएंगे, एम्स में कैसे जाएंगे, आगे के एग्जाम कैसे होंगे, मतलब पूरा रियूंड सिस्टम इज लाइक ऐसे लेट मी मैं आगे कोलैप्स हो गया है पूरा, मैं उस पर आगे बात करूंगा, लेकिन वो तो है ही।
अभी चैलेंजेस ये हैं कि आदमी 50 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए वही कमा सकता है जिसके शरीर में दम है, जो मेहनत कर सकता है, नथिंग एल्स। उसकी स्टडी स्किल्स क्या है या क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, इसका पूरी तरह से मतलब रूइंड हो गया, मतलब आई थिंक सो। क्योंकि सर प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति को जब तक मिलेगा नहीं तब तक कैसे कोप अप किया जा सकता है? नहीं, जैसे अभी तुमने जो किन किन सेगमेंट में तुमने किन 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 सेगमेंट में लोगों को लाइनअप किया या काम करवाया या कर रहे हो, आई थिंक उसके बारे में। सर लोगों को क्या है कि प्लांट में एम्प्लॉयमेंट दिया है और फूड इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट दिया है। और हाउ यू लाइन अप द जैसे एम्प्लॉयमेंट है, जैसे मान लो वो कैसे लाइनअप, जैसे फूड इंडस्ट्री में मेरे पास मान लो 10 लोग हैं जिनको मैं लाइनअप करना चाहूँ, तो कैसे आप उसमें कैसे लाइनअप किया है, मतलब व्हाट इज द मैकेनिज्म देयर, मतलब आई वांट टू नो द मैकेनिज्म, मतलब जी मैंने क्या है कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दे रखा है और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने उसके साथ एक मैसेज लिखा रहता है कि प्रोजेक्ट काबिलियत यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी काबिलियत की कीमत। और जैसे व्यक्ति वहां पे मैसेज करता है सर उसको वो सारी डिटेल्स मिल जाती है जिस डिटेल में उसका नाम उसको देना पड़ता है, उसकी काबिलियत बतानी पड़ती है। और उसमें सेगमेंट है सर, आप खाने का प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं फूड इंडस्ट्री में लोगों को जो रोजगार दे रहा हूँ वो मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ कि कोई एक महिला है और एक कोई कोई भी काबिल व्यक्ति है जो एक बहुत ही डिलिशियस फूड बना रहा है और उसको रखा जा सकता है। आई मीन कि उसको 7 दिन और 10 दिन 15 दिन हम रख सकते हैं, इट कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टरवर्ड्स आल्सो। तो मैंने वो प्रोडक्ट उन महिला से खरीद लिया या उस काबिल व्यक्ति से खरीद लिया जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो उससे क्या हुआ सर, मेरे पास वो प्रोडक्ट आया और उस प्रोडक्ट के बदले मैंने उस व्यक्ति को पैसे भी दे दिए सर। अब वो व्यक्ति जो है मेरे लिए आजीवन प्रोडक्ट्स बना रहा है सर। काफी एक साल से मैं आपको कुछ लोगों के नाम सजेस्ट कर सकता हूँ सर, जैसे कि संजीव कौर आंटी है, वो चॉकलेट्स बनाती है, काबिल चॉकलेट जो मेरी आती है वो संजीव कौर आंटी बना रही है। उसी के साथ काबिल केक्स है, उसमें मिसेज अबनी मोदी हैं और ऐसी एंड ऑफ पीपल जो जो जैसे फूड इंडस्ट्री में आपने वो सिलेक्ट किया कि अगर कोई किसी चीज की एक्सपर्टीज है और वो उसको ऐसी चीज को बना सकती हैं जो कुछ दिन तक उसे रख सकते हैं, तो उसे आप उसे मार्केट प्लेस अवेलेबल कराते हैं कि पहले खरीद लेंगे और उन्हें पैसे देके आगे कर सकते हैं। लाइक मैं उनसे प्रोडक्ट ले लेता हूं सर, मैं मतलब दिस इज नॉट अ ब्रोकरेज सर। हम लोग क्या है कि पहले ही व्यक्ति से माल खरीद लेते हैं, मतलब प्रोजेक्ट काबिलियत व्यक्ति को रोजगार दे रहा है, व्यक्ति की ब्रोकरी नहीं कर रहा है व्यक्ति के प्रोडक्ट की, वी आर एम्प्लॉइंग, मतलब हम ही उनको उनकी काबिलियत का जो अमाउंट बन रहा है तो उनके जो प्रोडक्ट है वो जिस भी क्वांटिटी का या क्वालिटी का बन रहा है उस हिसाब से उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो जो पैसे है सर वो हम लोग दे रहे हैं प्रोजेक्ट काबिलियत मीन्स। उसमें क्या होता है जैसे कि आप घर में बच्चे लिमिटेड जो एक मेरी कंपनी है जिसमें मैं बच्चों को जो घर में आप देखिएगा कि काफी कुछ ऐसा बन जाता है, बच्चे अपनी काबिलियत से कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट करके इतना खूबसूरत सा एक बना देते हैं जो एक शोपीस बन जाता है सर। आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर? हर बच्चे ये आर्ट की कला हर बच्चे में होती है। तो हम बच्चों को क्या है कि DIY टेक्निक सिखाएं जिससे वो अपना जो टाइम है वो फालतू वीडियोस जो होती है जो मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है लोगों का, फालतू से मैं माफी चाहूंगा ये शब्द यूज करना, लेकिन जो मीडिया है सोशल मीडिया है उसने भी बच्चों के दिमाग पे और फ्यूचर पे काफी इफेक्ट डाला है। उसके कारण से व्यक्ति क्या है कि डिस्ट्रैक्ट काफी हुआ है। तो मेरा ये भी है कि सिद्धांत जी जो कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऐसे लोग लाइनअप हो जाते हैं जिनमें कुछ स्किल्स हैं ऑलरेडी और उनको मार्केट प्लेस नहीं अवेलेबल या इतने टेक्नोक्रेट नहीं है या उनको आइडिया नहीं है कि कैसे इसे मार्केटाइज ऐसे टाइम में कराया जाए या उनकी जो स्किल्स हैं वो एक्सप्लोर नहीं है, तो उसको मार्केट में ले जाने का शिद्दत से काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि उनको कुछ प्रिविलेज कुछ फायदा हो सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जिस लेवल पे चीजें सिद्धांत जिस लेवल पे चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो जिस लेवल पे चीजें मास में गड़बड़ हो रही हैं, देयर इज नो तुम्हारे कलीग थे रौनक है और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वन CR पैकेज है, बहुत सारे लोग पहले जो IIT में गए थे जो या पास आउट हुए, लॉट ऑफ काफी लोगों की नौकरी लगी, बहुत अच्छी नौकरी है
आप आज की डेट में देखिए, लास्ट ईयर जो पास आउट बंदा हुआ है 90% स्टूडेंट्स मुझे टच में है, तो वो सबके सब क्या है कि घर पे ही है यार, कुछ कर ही नहीं। अल्टीमेटली क्या है कि मतलब जो मास लेवल पे डिस्ट्रॉय हुई है चीजें, मास लेवल पे डिस्ट्रॉय हुई है, तो उसका सॉल्यूशन ये कुछ एक्टिव जो भाई आपने एफर्ट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिस एफर्ट इज नॉट सफिशियंट एट टू रिनोवेट द थिंग्स एट मास लेवल, आई थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक नदीम सर? तो मेरा मानना ऐसा है, जो सिद्धार्थ जी बात कह रहे हैं वो एक किसी फील्ड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड, पैमाना बहुत छोटा है ये पैमाना जो सिद्धांत जो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर कोई देश का मुख्यमंत्री एग्जीक्यूट कर रहा होता, देश का प्रधानमंत्री एग्जीक्यूट कर रहा होता, देश का कोई बहुत बड़ा नेता एग्जीक्यूट कर रहा होता, तो हो सकता है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता कि आप लोकल फॉर वोकल हो जाओ, आप लोकल में जो बना रहे हो उसी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना काम चलाओ। लेकिन ये कितने लोगों का करेगा? ये भाई 10-20-50-100 लोगों का टच में है। लेकिन आज मैं सर, मैं पिछले जैसे इस सेशन में काफी लोगों से इंटरेक्शन किया, पूरे कुआ में ही भांग पड़ गई है भाई, अक्रॉस इंडिया ऐसे चैलेंजेस हैं, मतलब चैलेंजेस इस लेवल के जो चैलेंजेस हैं अक्रॉस इंडिया, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे इस टाइप के चैलेंजेस नहीं आ रहे। अभी कमल जी, मुझे जो है, मुझे गुजरात जाने का मौका मिला था लॉकडाउन के समय, तो मैं वहां देख कर आया, लॉकडाउन मतलब वहां भी लॉकडाउन था, तो ये हालत है उनका, ये कहना पिछले लॉकडाउन में ही फैक्ट्रियां जो है वहां की बंद हो चुकी है, कम से कम 60% जो है फैक्ट्री जो थी जो वो सब टोटल बंद हो गई है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, मजदूर मिल नहीं रहे, लेबर मिल नहीं रही, फैक्ट्री मजदूर सब मजदूर और फैक्ट्री में काम करने वाले प्रोडक्शन लोग ही नहीं हो रहा सर। ये लोग थे, ये लोग तो पहले पिछले लॉकडाउन में तहस-नहस हो गए थे, आज आखिरी कील ठोंक दी गई भाई। 12th का बच्चा मतलब हाउ द थिंग्स मूव, 12th एक वो होता है जहां से चीजें स्टार्ट होती है, 12th भाई एग्जाम तुमने रैली कर रहे हो यार, ऐसा कौन सा रोड है जहां पे भीड़ नहीं चल रही लॉकडाउन में भी भाई, लोग बात चलते ही है ना, और ऑटोमेटिकली आप सारा ऑब्जेक्टिव करा देते, एग्जाम कराते, जैसे तुम नेट बैंकिंग करते हो, नेट बैंकिंग मतलब इस टाइप का सॉल्यूशन कुछ लेते, मतलब कोई सॉल्यूशन इस टाइप का क्रिएट करते कि कम से कम एग्जाम तो कराते, आपने रद्दी हो गया, इसका मतलब क्या, एक बहुत मास है वो पूरा का पूरा डायरेक्शन लेस हो गया, मतलब 1,500 बच्चे हैं जिनको मैं रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, उनमें जैसे तैसे मैंने मोटिवेट करके रखा था, नहीं नहीं एग्जाम होंगे, आप पढ़ो, ये करो वो करो, कुछ तो करते रहो, टीचर आई हैव नो वर्ड्स टू से, मतलब उनसे मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो, मतलब हाउ टू, मतलब मैं क्या बात कहूँ उनसे कि भैया तुम्हें करेंगे तो ये मिलेगा। दीप्ति मैम, आप ये देखिए कि मेरा बेटा भी है और उसका एग्जाम जो के लिए उसको ढाका बुलाया गया, वहां जाके उसने जो जनवरी में चला गया था, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ गया एग्जाम वगैरह करके, अभी सेकंड एग्जाम्स के लिए नवंबर में फिर उसको वहां बुला रहे हैं। मतलब एग्जाम तो मस्ट है बच्चों को, बिना एग्जाम्स के तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इवैल्यूएट भी नहीं, एक्चुअली डायरेक्शन लेस हो गया स्टूडेंट, मतलब 10th का जो स्टूडेंट था वो 10th के तो चलो कोई बात नहीं, 12th का तो एक 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाता है, 12th के बाद मेडिकल में जाता है, 12th के बाद CA या इसमें डायरेक्शन में जाता है, 12th के बाद जो भी वो जिस डायरेक्शन में जाता है उसमें वर्किंग काफी रहता है, तो आज वो रद्द हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं, ये मैं एजुकेशन से काफी सालों से जुड़ी हूं, 2005 से एजुकेशन लाइन में हूं, इनफैक्ट खुद का एक कॉलेज संचालित करती हूं, काफी बच्चों को पढ़ाती रही, तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, एजुकेशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है, जो बच्चे जो किताबों से जो उनको नॉलेज मिला करता था, धीरे धीरे हमने प्रैक्टिकल कर करके, कहीं आज ये सेमेस्टर कहीं कल वो सेमेस्टर, धीरे 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 बच्चों को हमने किताबों से बहुत दूर कर दिया, 20 क्वेश्चन आ गया बच्चों के हाथ में और वो 20 क्वेश्चन विद इन वो तो है, लेकिन आज का जो दिन है, आज दो 15 मिनट पहले एग्जाम ही गायब कर दिया, या सही धीरे धीरे आपने 20 क्वेश्चन ला के बच्चों को हाथ में दे दिया, 20 क्वेश्चन को निकाल के जैसे तैसे वो पढ़ते भी थे तो मोबाइल हाथ में आ गया, तो जो बेसिक शिक्षा थी या जो हमारे संस्कारों के साथ शिक्षा थी, जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा थी, उसको तो हम पहले ही बर्बाद कर चुके हैं एजुकेशन सिस्टम को। अब आज एग्जाम बच्चे जब देते हैं तो वो निश्चित तौर पर बहुत मेहनत करते हैं और उनके अंदर एक वो रहता है कि चलो हमें पढ़ना है और हमें कुछ बनना है,
आज युवा दिशाहीन हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा के स्तर को बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ ये, जैसे अभी एक स्टेटमेंट पे बहुत बवाल मचा था भारत प्रदेश में, मैं आज फिर वही कहूंगी कि बवाल मचाने से कुछ नहीं होता। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे थे, पर हम विश्व गुरु अब आने वाली सदियों तक नहीं बन पाएंगे। विश्व गुरु इज डिफरेंट थिंग भैया। पहले ऐसा होता है मैम, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं दूसरों का भला तभी कर सकता हूँ मैं जब अपने घर का भला करूँ। मैं जब आप जो लिंक आदमी है, लिंक मुझसे जो डायरेक्टली लिंक है, उनका अगर मैं सही डायरेक्शन दे सकता हूँ तो ओनली देन इट इज पॉसिबल कि आई कैन मैं दूसरों को करूँ। अभी तो भाई जो ट्वेल्थ का डायरेक्शन, मतलब ट्वेल्थ का एग्जाम ना होना जो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब वहां से चीजें तय होती हैं। आप ये आपको जैसे अभी हमने, आप थोड़ा सा इसको ये मत समझिए, क्योंकि ये उसी परिपेक्ष में बात कर रही हूं मैं कि हमने स्कूलों की शिक्षा को कैसे बर्बाद किया। हमने मध्याह्न भोजन दिया, बच्चों को हमने फ्री बुक्स दी, तो बच्चे वहां सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए, पहले आप पूरी शिक्षा कहां रही है, आगे कंटिन्यू हो रही हूँ। हमने जो किताबें ली, हम पुरानी किताबों पे अखबार का कवर चढ़ा के ऐसे महसूस करते थे कि हमने जग जीत लिया। आज उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुकें मिल रही हैं, उनको उसकी कीमत नहीं। मिड डे मील आपने जो चलाया, उसकी सार्थकता जमीन लेवल पे है नहीं। वहां से शिक्षा के स्तर को धीरे 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 हमने खत्म किया, और आज आप विश्वास मानिए कोरोना काल की समस्याओं में ऑनलाइन मोबाइल आने से जहां बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं, वहीं आप बच्चों को न जाने कौन कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान हम और आपने इतनी उम्र में नहीं सीखा उस मोबाइल से वो बच्चे अभी जानने लगे। सही बात है, सही बात। और हमें शर्म महसूस होती है, जो चीजें हम आज कहने में शर्म करते हैं मर्यादा के दायरे में, हमारे बच्चे उन चीजों को अपनी जबान पे रखे। आपने रैली कराई, मुझे ये कहने में बेहद अफसोस है कि आज दमोह उपचुनाव मैं रही हूँ, वहां मैं प्रभारी रही हूँ, पर विपक्ष के नाते रही हूँ। हम लोगों ने खूब बहिष्कार किया, पर सत्ता पक्ष के लोग वहां प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों की मजबूरी रही कि हमें अपना घर बचाना। लेकिन उस उपचुनाव की जीत ने न जाने कितने हीरे खो दिए, कितनी माओं की गोद उजड़ गई और कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए। रैली हम कर सकते हैं, पर हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। सही बात, मैं ये कह रहा हूँ मैम, आपने एकदम सही बात कही कि मुझे बताइए, बिहार का चुनाव हुआ और इनफैक्ट ग्वालियर के आसपास सभी चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, और छठवीं सातवीं आठवीं की बात अलग है। चलो वहां पे चलो जो भी है बच्चा का डेवलपमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ट्वेल्थ इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मुझे लग रहा था कि ट्वेल्थ में कैसे, एनी हाउ ये ट्वेल्थ का एग्जाम तो कैंसिल नहीं करेंगे, टेंथ का भी चलो बोर्ड ही गायब कर रहे हैं तो, लेकिन ट्वेल्थ का एग्जाम रद्द होने का मतलब है हाउ टू, आपने डायरेक्शन लेस कर दिया पब्लिक को, हाउ टू मूव, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई। सकते हैं अगर चुनाव करवा सकते हैं तो प्रिकॉशन के तहत क्या बच्चों के एग्जाम नहीं करवा सकते? लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो है सीधा सीधा एक एलीट क्लास और एक लोअर क्लास ये बनाना चाह रहे हैं भारत को, कि एक एलीट क्लास रहे एक लोअर क्लास रहे, जो मिडिल क्लास था वो बिल्कुल किसी तरह से खत्म हो जाए वो। सही बात। तो बेसिकली हम लोग उधर ही तरफ मूव कर रहे हैं, और इन्होंने इस तरह से कर दिया जैसे हम लोग एक टाइटैनिक शिप पे बैठे हुए हैं, सारे प्राइवेट सेक्टर वाले एक टायरेनिक शिप पे हैं, कभी भी किसी का भी डूब सकता है। ठीक है, जिसको जैकेट मिली तो वो चला गया ऊपर अपर, अदरवाइज वो रह गए, यही वाला हाल चल रहा है। बाकी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट वालों को है, और इतनी महंगाई कर दी है, अभी सोचिए एयरपोर्ट वगैरह सब अडानी वगैरह कर दिया, फ्लाइट टिकट वगैरह कितने महंगे हो गए हैं, मतलब क्या करना चाह रही है देश को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं वो ले जाना चाह रही है भाई। अभी मुझे नहीं लगता आप आज हम लाशें गिन नहीं पा रहे हैं और आप 7 साल की उपलब्धियां गिन रहे हैं, मतलब सही बात है, आज हम लाशें नहीं गिन पा रहे, आप 7 साल की उपलब्धियां गिन रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि मोदी के 7 साल बेमिसाल, अरे शर्म करो। नहीं तो देखिए इसमें इसमें ऑपोजिशन पार्टी को चाहिए,
अपोजिशन पार्टी को चाहिए कि जब जब वो लोग पावर में थे तब मोदी क्या क्या अगेंस्ट बोलते थे उन सब वीडियोस को हाईलाइट करें कि उस वक्त क्या बोलते थे और अब ये क्या कर रहे हैं। गैस सिलेंडर्स के रेट को क्या बोलते थे, अब क्या कर रहे हैं। पेट्रोल रेट को क्या बोलते थे, अब क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को जब तक हम लोग को स्ट्रॉन्गली नहीं आना पड़ेगा। मुझे लगता है मांस में कटोरा वाली बात ही सही होनी है। मास में अपॉर्चुनिटी जो जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो पैसे वाला था हर सेगमेंट में एक एक कंपनी ऐसे हो रही है, वो बहुत बड़ी होती जा रही है। हाँ, बस जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन जिस तरह से तुमने काम स्टार्ट किया है, यू आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम बैकग्राउंड एंड यू आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। बट जैसे आपने जैसे किया है वो हर कोई और बहुत कम वॉल्यूम में, और मास में दिक्कत है जैसे। हाँ बताइए नदीम सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं फील्ड पर था और मैंने शहर का पूरा मुआयना किया आज दिन भर धूप में। तो कमल जी, ये मैंने देखा है शहर के अंदर दुकानें अनलॉक हुई है, आज से भोपाल शहर को अनलॉक कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कहा गया है अनलॉक नहीं था, सिर्फ रोडे खाली कर दी गई है, बैरिकेड हटाए गए, बाकी सारे शॉप्स वगैरह है सब बंद है। जो छोटे छोटे सुनिए तो छोटे जो लोग थे सिलाई करने वाले, वो लोग कुछ मुझे मिल गए सिटी के अंदर शहर में, तो उन्होंने ये बताया कि सर आप पुलिस वालों ने हमारी दुकानें बंद करा दी। हम लोग छोटे छोटे से, मतलब हमारा वो था, हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि आज से अनलॉक हुआ है तो आज हमारा रोजगार शुरू हो जाएगा 2 महीने बाद, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया। हम लोग सिलाई मशीन चला के लोगों के कपड़े सी के अपना काम चलाते थे। उसके बाद वही मैंने पूरे शहर में ये देखा, शराब की दुकानें पूरी तरह से खुली हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबरदस्त रश हो रहा है। नहीं, कमाल हो गया कि एक मिनट कमल जी मेरी बात। और उनको समय दिया गया है सुबह से लेकर 11:30 बजे रात तक शराब की दुकानें खुली रही। तो छोटे रोजगार करने वाले जो है रोज खाते हैं, जो कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके लिए पुलिस डंडे आज भी बरसा रही है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, जाओ घर बैठो। तो ये इसे कहते हैं रोजगार, इसे कहते हैं रोजी रोटी, जिसकी जिसको कमाने के लिए, जिसको परिवार पालने के, अपना परिवार पालने के लिए आदमी करता है, वो उसे नहीं करने दिए जा रहा। तो आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सा एम्प्लॉयमेंट, क्या आएगा, क्या स्कीम आएगी, क्या मतलब नदीम सर, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ और भी एक दो राज्य हुए जहाँ पर, यहाँ तो ओपी नहीं है, दुकानें खुली हैं शराब की। एक तरफ कहते हो आप दारू नशा नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ होम डिलीवरी दे रहे हो और सबसे पहले दे रहे हो, तो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल अप्रोच। मतलब बिल्कुल जैसे ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्री प्लान जो है बिल्कुल जनता को मारने पे तुल गए हैं सब लोग, कि बस अब ये जनता खत्म हो जाए यहाँ से, कैसे भी बर्बाद हो जाए, भूखी मर जाए, बीमारी से नहीं मरी है तो भूख से मर जाए, लेकिन मर जाए बस, कैसे जनता, ये कहाँ का इंसाफ है। ये ऐसा कब तक चलेगा, जनता जो है सब बाहर निकल आएगी, फिर पूरा जो है तख्त ही पलट की नौबत आ जाएगी। अभी शाम को कपिल जी, हाँ बताइए बताइए, अभी शाम की बात है, मैं एक मंत्री की मेरी मीटिंग थी छोटी सी, तो मुझे जाना था, तो मैं 5 नंबर पे पेट्रोल दुर्गा पेट्रोल पंप के सामने एक शराब की दुकान है, मैं वहां से निकला तो ट्रैफिक रोक दिया गया, पता चला कि वहां से एक मिनिस्टर निकल रहे थे, तो शराब की दुकान पे जितने लोग भीड़ लगी हुई थी तो सबसे पहले उनको भगाया गया पुलिस वाले द्वारा। अच्छा, दिखाने के लिए भगाओ, भगा दो, बिल्कुल साफ कर दो, और वहां पर एक दो लोग खड़े हुए थे। सही बात है। तो पता चला कि पूरी जैसी मंत्री की गाड़ी गई है तो भीड़ वैसी की वैसी खड़ी हुई, कोई बोलने वाला नहीं। सही बात है। इससे क्या कोरोना नहीं फैलेगा, कि वो बेचारे जो छोटे रोजगार लेके बैठे उससे कोरोना फैलेगा, ये तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये और उनको उनके उनको आज बड़ी उम्मीद थी, मेरे पास फोन आया कि आप टीआई साहब को बोलो, पंगलवाड़ा थाना टीआई। मैंने कहा कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पूरे शहर के अंदर ये हालत, मैं तो खुद देख कर आया हूँ, मैं तो खुद अभी पूरा कवरेज करके आया हूँ, उसको मुझे अभी रेडी करना है, मुझे दिखाना है अभी। तो ये हालत शहर में है, रोजगार बहुत बुरी कंडीशन आने वाली, बहुत बुरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सबको जो है अभी से कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, और जितने भी IITians हैं वो सब भाई अपना दिमाग लगाएं, कुछ तो लगाएं कि भाई हम कुछ सरकार क्या कर सकते हैं। सिद्धांत कुछ कहना चाह रहा है जी। यस सिद्धांत बता। सर मेरा लोगों से है कि क्या होता है, मैं मानता हूँ आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं,
लेकिन मैं भी एक शब्द कहना चाहूंगा सर इसमें कि फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं, आप मैथ्स टीचर है सर, आपको पता होगा, फॉर्मूला बनाया जाता है कोई और फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसके थ्रू सॉल्व की जाती है। तो क्या है कि सर मोदी सरकार को, मैं आई एम नॉट अ मोदी भक्त, मैं सिर्फ एक प्योर बिजनेसमैन हूँ सर, मैं व्यापारी हूँ और मैंने व्यापार करने के लिए ही वकालत की पढ़ाई करी थी सर। तो मेरा जो कहना है ना सर, वो अभी जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला सामने आया है इन सब चीजों में। मैं आपको ये मानना चाहता हूँ कि लोगों ने ये बोल दिया कि जो पैसे वाला व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति पैसे वाला क्यों बना सर? मेरा सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, पैसे वाला व्यक्ति पैसे वाला इसलिए बना क्योंकि उसने मेहनत करी। मैंने लोगों को देखा सर, मेरे प्रोजेक्ट दूसरों से ज्यादा काम किया अल्टीमेटली, लेकिन लाइक ये बात तो है ही है कि हम कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं अगर कुछ हो सकता है, दैट इज द बेस्ट। उसको चांस मिला, उसको चांस दिया, छोटे लोगों को चांस नहीं दिया गया, उसको दबा दिया गया, इसलिए वो बढ़ गए। मैंने जो देखा है, आप सबने देखा है कि एक बड़े व्यक्ति को हजारों लाखों करोड़ का लोन दिया गया, छोटे व्यक्ति को 10,000 का लोन देके अगर आप रोजगार शुरू करो वो कैसे पढ़ा सकते हैं? सिद्धांत, मैं एक वन वर्ड में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे जैसे ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 14 महीने की अगर मैं बात करूँ, तो 14 महीने में अपने पापा से बात करना, उनकी जमा पूंजी कितनी थी और कितनी रह गई, अपने लिंक में जो एकदम करेक्ट लोग हों, समझे, एकदम जो करेक्ट लोग हैं उनसे बात करना उनके। गुड इवनिंग अंकुर जी, गुड इवनिंग, मुंबई से अंकुर जी हैं और अभी एक मिनट आपको सुनते हैं। और आप किसी भी इंडिविजुअल से बात करिए और उनसे ये पूछिए कि क्या आपकी पूंजी बढ़ी है या कम हुई है, बशर्ते कि वो मध्यम वर्गीय अपर मध्यम वर्गीय का हो, तो 99% मैंने ऐसे करके देखा, 99% लोग ये बताएंगे कि उनकी 50% रह गई, उनकी 70% रह गई। और लेकिन जो टॉप मोस्ट है, अपर लेयर है, हाईएस्ट अपर लेवर है, लेयर है, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री की कंपनी हो, बायजू हो, या और किसी भी इंडस्ट्री की जो टॉप कंपनी है, टॉप 2 कंपनी है, टॉप 3 कंपनी है, इनफैक्ट अडानी या अंबानी ये तो बहुत ही बड़े हो गए, तो उनकी तुम ग्रोथ देखोगे तो आप देखोगे कि उनका पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इट इज द लेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या है कि मैंने ऐसा था, एक ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि एक पॉलिसी ऐसी आई अपर लेवल से जो सबका भला करने वाली है, कि सबको ऊपर बढ़ाएगी, और एक पॉलिसी ऐसी आई जो गैप बढ़ाएगी और कुछ जो बीच में है उनको नीचे की तरफ ढकेलेगी और जो अपर है उनको ऊपर की ओर ढकेलेगी, और जिससे क्या है कि वो कंट्रोल मैकेनिज्म हाईएस्ट हो जाएगा। तो दैट इज गोइंग ऑन। सेकंड वन, अंकुर जी गुड इवनिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और सिद्धांत जी रख रहे हैं और आप भी बात अपनी रख सकते हैं। मैं वन बाय वन सबके आंसर देता हूं। मैं ना तो मोदी भक्त हूं ना बीजेपी सपोर्टर हूं। पहली बात स्टार्टिंग आपकी वास्ता करता हूं। आपने मेरा टेंथ इंजीनियर है, मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और काफी मतलब लाइक रियलिस्टिक अप्रोच वाले थॉट रखते हैं, तो वी कैन लिसन। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला टेंथ एग्जाम, बच्चों की लाशें अपने हाथों में देखना जरूरी है कि एजुकेशन ऑनलाइन होना जरूरी है, पहली चीज। अभी मैं आंसर देता हूँ, मैं चाहता हूँ सब अभी सुने इस बात को। अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हो तो इंडिया नहीं, आप वर्ल्ड की बात करिए, एजुकेशन का क्या पोजीशन है बाहर, इंडिया में और बाहर भी, दोनों बात। दूसरा एक पॉइंट बोला किसी ने, मास डिस्ट्रक्ट। मास डिस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या है? अगर टेंथ का या ट्वेल्थ का एग्जाम ऑनलाइन करा रहे हैं, यू हैव द चॉइस, कोई चॉइस है आपके पास कराने के लिए? आप चाहते कैंसिल हो गया, इट इज कैंसिल्ड टुडे, कैंसिल्ड रद्द हो गया, मतलब होगा ही नहीं। ऑनलाइन भी करा, ऑनलाइन करा देते, घर पे करा देते, कोई मॉडल तो बनाते। नहीं नहीं उसका भी आंसर दे रहा हूँ मॉडल का। अगर देश में 12% बच्चे हैं जो टेंथ के एग्जाम दे रहे हैं, वो तो वही बात सही है कि मॉडल करा देते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अन्य कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, वो पॉपुलेशन कम है। टेंथ का एग्जाम में कितने लोगों को ऑनलाइन टेंथ का करा दिया? पॉपुलेशन की बात नहीं है। मैंने भी 17 इयर्स फॉरेन में काम किया है और एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, मैडम, तो इसलिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कि वहां पर ऑनलाइन भी चीजें होती हैं, तो सारे स्टूडेंट को दी जाती है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। अब तो यहाँ पर भी सीबीएसई वगैरह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर ही दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इफ दे वांट दे कैन डू, मतलब बिना एग्जाम्स के, बिना इवैल्यूएशन के आप कैसे कर सकते हैं? एटलीस्ट आपको ऑनलाइन एग्जाम्स आपको लेना चाहिए,
कुछ ना कुछ तो आपको उसका निकालना चाहिए, एक कैरेक्टर रखना चाहिए। इतनी बड़ी मास को छोड़ दिया, ट्वेल्थ वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अंकुर जी, ट्वेल्थ वालों को एकदम छोड़ देना ये थोड़ा सा अलग ही हो गया। कहा कि बच्चों की लाशें जरूरी है या एग्जाम में, जवाब देना चाहूंगी कि लाशें तो बंगाल की भी जरूरी नहीं थी, लाशें तो दमोह उपचुनाव। मैडम अगर आप एक पॉइंट पकड़ेंगे तो फिर बंगाल चुनाव हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव में इतने टीचर्स की लाशें गई हैं, इतनी टीचर्स होने के बाद भी लाशें गिरी है साहब, अभी कमल सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जो एक हट्टा कट्टा बंदा हमारे आईटी सेल का जो दो दिन तक हमारे साथ बैठा रहा, तीसरे बंदा पता चलता है कि मार्तन सिंह। अब मैडम अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे होगा, प्लीज प्लीज आप कहिए कहिए भाई, रखिए बात, आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन मैं जो कह रही हूँ आप उसको भी समझिए। जब आप, मैं आप ही की बात, मैंने अपना पॉइंट मैडम नहीं, अब तक चलेगा सरकार को अपनी कथनियों करनी में एक रूपता सिद्ध करनी होगी, दोगलापन अब ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप एक क्राइटेरिया निश्चित करिए कि आपको करना क्या है, आधा मार्केट खुलता है आधा बंद होता नहीं, है नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो अनसर्टेन बिहेवियर है कोविड का, इट इज आल्सो द बिग चैलेंज, उनके सामने भी अनसर्टेन है, तो वो आप तय कुछ कर नहीं रहे, पूरे असमंजस में पूरी स्थितियां चल रही हैं और हम इस स्थिति को नकार नहीं सकते। स्थिति दिक्कत है लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति में चैलेंज सामने आया है तो वो कोविड का बिहेवियर ही अनसर्टेन है भाई, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है, व्हाट इज नेक्स्ट। तो अंकुर जी का एक, हमारे यहाँ प्रमाण पत्र बढ़ रहे, आज हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कई जगह दौरे किए, उनके कार्यक्रम आयोजित है, यहाँ लाशें नहीं गिरेंगी, ये तो है, दिक्कत तो है भाई, ये स्टूडेंट वाले में तो मैं अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और बस अपना रूल चाहते हैं, अपने हिसाब से हर चीज चलाना चाहते हैं। अंकुर जी का एक इनपुट ले लेते हैं कि क्या वो फाइनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो प्लीज अनम्यूट करिए, एक बार पूरी बात सुनते हैं उनकी क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट पे हर चीज दोष देना वो अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप वो, किसी ने बोला कि बुकों से बच्चों को दूर कर दिया, अभी बताइए व्हाट द अदर वे टू गुड द एजुकेशन ऑफ द बच्चों को, कैसे देंगे आप, पहली चीज तो कुछ ना कुछ। और जो एजुकेशन आपने बोला कि सबके एग्जाम होने चाहिए, वो कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, इंडिया में लोगों को खाने के पैसे नहीं है, कैसे करेंगे एग्जाम। अंकुर एग्जाम पैसे के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अंकुर जी, मैं ये कह रहा हूँ आप ये देखिए, यहाँ पर मुलायम सिंह के टाइम में उन्होंने लैपटॉप बांटा था सब लोगों को, हर एक को एक जमाने से सबको लैपटॉप दे दिया गया था, अब इन्होंने हर जगह मोबाइल को पहुंचा दिया, घर घर मोबाइल पहुंच गया, ऐसा नहीं है, मोबाइल है सबके पास। मैं कम्प्लीट तो कर लूँ मैम, दो मिनट दीजिए, मैं कम्प्लीट करता हूँ आपकी बात, आपको भी आंसर देता हूँ पूरे, मैं कैरी ऑन अपना पॉइंट नहीं निकाला, मैं आपके पॉइंट लिख के रखे हैं, उसको क्या आंसर दे रहा हूँ मैं। दूसरा आप बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को, 80 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, ऊपर से खाना चलता है, अगर नीचे के ऑफिसर खाना या नीचे के कोई भी आदमी खाना नहीं पहुंचाता, महाराष्ट्र में 12 अरब टन 12 अरब का गेहूं आया, गवर्नमेंट ने आया, सेंट्रल से आया, गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो क्या हो गया, वो पूरा उसमें कीड़े लग गए, उसमें चूरा हो गया, वो बाद में दारू बनाने के काम आएगा, किसकी गलती, 80 करोड़। और दूसरा किसी ने बोला था इलेक्शन करवा सकते हैं, इलेक्शन कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन आयोग को होता है, अगर इलेक्शन करा सकते हैं तो बाकी पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी ने इलेक्शन करवाया तो बाकी पार्टी मना कर सकती है ना, अपोज की हम नहीं करवाएंगे, आप करते रहो, अकेले खड़े हो जाओ, अकेले जीत जाओ, सब कुछ थाली के चट्टे बट्टे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक सेकंड किसी ने बोला फ्लाइट टिकट इससे पहले बताइए कितना था, सस्ता था कि महंगा था, किसी ने बोला अडानी अगर वही टेंडर किसी फॉरेन कंट्री को चला जाता है, मैं अडानी का वक्त नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए ना, आप ले लीजिए टेंडर, आप डालिए ना, लेकिन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए लोगों में करने की, क्यों नहीं भाई, किसी को मैं देखिए कमी भाई, हर किसी का मित्र मोदी तो नहीं होता ना, हर किसी का मित्र मोदी नहीं होता जिसको टेंडर मिल जाए, आप इससे पहले भी अडानी किसी को ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं, और देखिए कर्जा लेके विदेश भाग गया, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये तीन मिनिस्ट्री जो है ना गवर्नमेंट के ही अंडर में होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर में। चुनाव आयोग सिर्फ मोदी जी की कठपुतली बन के रह गया है, चुनाव आयोग, ये कहने में मुझे कोई दोराह नहीं हो, भारत का हर नागरिक जानता है कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आपकी कोई भी एजेंसी हो, मोदी जी की जेब में डली है,
अभी बात ये है कि क्या लाइक जो चैलेंजेस हैं सामने कोरोना का, बेरोजगारी का, महंगाई का, महंगाई हुई है कि नहीं हुई सबको मालूम है, हुई है भाई, बेरोजगारी है कि नहीं सबको मालूम है, और सबको ये बात मालूम है कि कोरोना का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे समय में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? मुझे सिद्धांत की बात बहुत पॉजिटिव लगी। कुछ नहीं भूल जाइए सर, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल आइए सड़क पे देखिए, घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, आप रोड पर आइए देखिए सामने। अब नहीं आएंगे इसमें, मेरे बोलने से जी मैं बोलूंगा कि साहब ये मतलब, लेकिन जीवन चलाने के लिए कुछ तो व्यवस्थाएं सजेस्ट करेंगे। अंकुश सिंह क्या लोग कर्जा ले रहे हैं कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लोग कर्जे में पड़े हैं, कर्जा देने वाले भी कह रहे हैं यार भाई कितने लोगों को कर्जा दें, परेशान हो गए लोग, पैसा मांग रहे हैं। अनम्यूट करो सिद्धांत जी, अनम्यूट। बात कही है शहर मैडम ने, बहुत अच्छी बात कही है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। ये बिल्कुल यथार्थ है कि ये मोदी जी की जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी है जो काम कर रही है, रोजगार से नहीं, रोटी से, भूख से। मैं तो मार के रहूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस बस वही चल रहा है। नहीं मैं तो है, लेकिन अब भाई कैसे भी बचना तो है क्या, बचने के लिए सबको रोड पे आना पड़ेगा, सबको रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, हमें सबको रोड पे आना पड़ेगा। सिद्धांत की एक बार बात सुन लेते हैं, बात पॉजिटिव, उसने जो टॉपिक है उसको लेके काफी पॉजिटिव उसने बात रखी है और वो एक्टिव भी है उस साइड में, तो सिद्धांत की बात को सुनते हैं एक बार। हाँ सिद्धांत प्लीज। किसी ने कुछ समय पहले एक बात कही, रोड पर आ जाए सर, आप बिल्कुल रोड पर आइए। एक प्रोजेक्ट काबिलियत नाम की दुकान खुली है, आप उसके लिए कोई भी काम कीजिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना सर, हम लोग उस सेगमेंट में काम कर रहे हैं जिस सेगमेंट में सरकार का काम करना इम्पॉसिबल है। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा और सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा है क्योंकि वहां पे सरकार से ज्यादा सुविधाएं हैं। आपको ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, प्राइवेट अस्पताल में सरकार की ये ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि प्राइवेट लोग सरकार ज्यादा ही सुविधाएं लेके बैठते हैं। नेटवर्क का इश्यू कैसे आ रहा है, एक बार मैं म्यूट करता हूँ, वन बाय वन सुनते हैं। अभी हम प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर नहीं, नहीं अभी टू दी पॉइंट सिद्धांत, जो टॉपिक है उस पे इनपुट आप रखिए, और सिद्धांत अच्छी बात रख रहा है, एक बार पूरी बात सुनते हैं उसकी, जल्दी से जल्दी से 2 मिनट में कंप्लीट कर प्लीज। मेरा वही कहने का मतलब था सर, अगर इसकी किसी स्किल ने अगर इसकी जरूरत पूरी कर दी ना, ए की स्किल ने अगर बी की जरूरत पूरी कर दी और बी ने ए को उसकी स्किल के बदले का पैसा दे दिया, ये वोकल फॉर वोकल हो जाएगा सर, देखो विदेशी लोगों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, किसी ने विश्व गुरु की भी बात कही थी, तो इंडिया का आयुर्वेद, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का एवरीथिंग, आप समझ रहे हैं सर, वो सब कुछ इजाद इंडिया में ही हुआ था। और उसके बाद लेकिन कर्मशील लोग कौन थे, मैंने आपको जैसे पहले बात बताई थी कि गरीब आदमी कौन था, पैसा लोग क्यों नहीं कमा पाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। कहीं ना कहीं लोग जो थे, लेकिन कुछ लक्ष्मी मेहनत करता है, लेकिन जो ज्यादा करता है वो इनिशियली कुछ ना कुछ फायदा होता ही हर सेगमेंट। मेरा कहने का मतलब है अगर सर एक व्यक्ति 10 साल IIT के मेंस को क्रैक करने के लिए देगा, एडवांस को देगा, तो वो एक ना एक दिन निकाल ही लेगा। सही बात है, सही। तो सर मेरा मानना है कि लक्ष्य से ज्यादा परिश्रम में होता है सर, जो मेहनत करता है वही हमेशा जीतता है सर। तो अपना फॉर्मूला तो अपने पास था सर, लेकिन वो कंप्यूटर बना लिया किसने, विदेशी ने सर, एरोप्लेन प्लेन जो था वो फॉर्मूला हमारा था सर, और चला कहाँ गया वो, विदेश में एक मूवी। सिद्धांत ने बहुत अच्छी बात शेयर की और आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा मैम। थोड़ा सा मैं इनपुट फाइनली देना चाहूंगा कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के सहारे या गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है या क्या कर रही है उस पर थोड़ा सा हम विरोध कर सकते हैं, और जैसे जो भी विरोध कर सकते हैं वो करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे आ सकते हैं, जैसे भी करना चाहिए वो करना चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप थॉट मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो
तुम्हारे लिए घर के जो चैलेंजेस हैं वो रेक्टिफाइड सिद्धांत एज में हम लोगों से सबसे छोटा है, लेकिन उसने बात बहुत अच्छी कही है कि हमें जो स्किल्स हमारे अंदर हैं तो उससे एक ही स्किल अगर बी का फायदा कर सकती है और बी का स्किल सी का फायदा कर सकती है तो उस स्किल को एनहेंस करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। सिद्धांत बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम और आई थिंक इट इज बेनिफिशियल। और जहां तक ट्वेल्थ की और ये स्टेप्स की बात है, एज अ टीचर, एज अ एडुकेटर, एज अ मेंटर, मुझे जो लगता है कि ये ट्वेल्थ का कोई ना कोई एक मॉडल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहां से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और वो कंट्रोवर्सियल है, क्योंकि आपने बहुत सारे काम ऐसे कोरोना टाइम में भी करवाए, दमोह का चुनाव मैडम ने दिया, ड्यूटी भी दी और वहां पे बताया, इनफैक्ट पूरा का पूरा इतना बड़ा इवेंट हुआ पंजाब, वहां का चुनाव हुआ, तो कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट होता है जिसका डिसीजन लेता है एंड ऑल डिपार्टमेंट्स को कोई ना कोई लीड करता है, तो वो ओवरऑल फाइनली अथॉरिटी जो डिसीजन है, जो अथॉरिटी होती है उन्हीं को मैटर करता है। किसी ने कहा मनुष्य चुनाव आयोग का डिसीजन था, इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन इंडिपेंडेंट संस्था है ठीक है, लेकिन अप्रूवल्स वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सुप्रीम पावर है उसका असर पड़ता ही है। तो अब देखें व्हाट इज नेक्स्ट, अभी 4-5 मिनट 10-15 मिनट पहले ही वो डिसीजन आया है, तो एजुकेशन को लेके आगे क्या कैसे रहता है उसको अपन रखेंगे। और ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, अल्टीमेटली ये टॉपिक है कि जो चैलेंज साइमल्टेनियसली आ रहा है इसके सॉल्यूशन की तरफ ही हमें जाना है। अब हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, अगर तुम सोशल एक्टिविस्ट हो तो भाई रोड पे आ जाओ, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो वैसे हेल्प करो, और अगर आप पॉलिटिशियन हो तो विरोध कर सकते हो विचारधारा का तो वैसे विरोध करो। तो लाइक आप जो व्हाट यू कैन बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू देन यू डू दैट एंड आई थिंक इट इज द बेस्ट अप्रोच आई थिंक सो, ठीक है ना। तो फाइनली नदीम सर आज का सेशन अपन लोग कंप्लीट करेंगे और टाइमली अपन ने स्टार्ट कर दिया था एंड इट इज गोइंग वेरी वेल, काफी वार्म रेस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों की हेल्प से और लॉट ऑफ पीपल्स देख रहे हैं वो चीजें, और सबसे ज्यादा जो आउटपुट आया है काफी लोग इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, तो अपन लोगों के करने, अपने लोगों के करने से कुछ ना कुछ फायदा ओवरऑल हो रहा है, चीजें जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में और फायदा होगा। फाइनली आज का सेशन कंप्लीट करने से पहले एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को एंड आप लोगों के मुंह से मैं एक बात तेजी से सुनना चाहूंगा कि टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज, ओनली एक जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना, टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज, जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना। भैया सिद्धांत तेरी आवाज नहीं आई, कहाँ गया, हट गया। टुगेदर वी विल द कोविड चैलेंज, टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज, कोविड चैलेंज, टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज, जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना। सिद्धांत जीतेगा, म्यूट है, एक बार तेरी आवाज जाना जरूरी है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है एक साल पहले से तू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके अंकुर जी की बात कंप्लीट नहीं हो पाई मुंबई से। अंकुर जी मैं अनम्यूट है और प्लीज अगर आप बहुत जल्दी एक मिनट में अपनी बात रख सकते हैं तो रखिए प्लीज। कोई नहीं, फिर कभी, मैं सॉल्यूशन, मैं सिद्धांत की बातों से एग्री हूँ, सॉल्यूशन देना, ब्लेम करना इजी है, सॉल्यूशन देना इजी नहीं है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ जाना है हमें, अल्टीमेटली करेंगे तो सॉल्यूशन कभी सोच भी नहीं पाएंगे। बस सॉल्यूशन हम सब लोग कर लेंगे, मोदी जी इस्तीफा दे दे, सॉल्यूशन हम सब लोग कर लेंगे मोदी जी इस्तीफा दे के पहले क्या फिर कोई बात नहीं है, उसके लिए भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको करेंगे, मतलब अल्टीमेटली करा के 2014 के पहले सब सबके घर में सबके अपने बने होते बोरों से अब लड़ेंगे। देखिए वी हैव टू गिव, हम सबको एक साथ एफर्ट डालना पड़ेगा, इसी के साथ मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूं। ओके थैंक यू, जवाब दे सकता हूं, लेकिन वही है ना, ऐसा थोड़ी है 2014 के पहले सबके कम होने होते। देखिए एक बात बताएं, ये बहुत जरूरी है, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हमेशा बच्चों को देखते हैं कि टीचर वही रखी जाए जिसके अपनी औलाद हो, जो शादीशुदा हो और अपनी औलाद हो, तभी वो बच्चों का दर्द समझती है। इनकी औलाद तो है नहीं, औलाद हो तो ये दर्द क्या होता है, बच्चों का दर्द क्या होता है, लेकिन हम भाई एक राजा क्या होता है, राजा जो है वो अपनी प्रजा के हर एक का दुख दर्द का पता होना चाहिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, हम लोग क्या है कि दर्द और बढ़ाना चाहिए, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। मैडम का भी दर्द सुन लीजिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं बेस्ट,
गरीबों बेचारे रिक्शे वाला खाना पीना नहीं होता, हम लोग को पहुंचा ही रहे खाना। पड़ेगी मोदी की वकालत छोड़नी पड़ेगी अगर वाकई में भारत को फिर आजाद करवाना है और बिल्कुल सुकून से भारत बनाना है, मोदी की वकालत बंद करनी पड़ेगी लोगों को। कमल जी महिला बिल्कुल कमल जी महिलाओं का दर्द उभर रहा है, उभरने दीजिए, निकल जाने दीजिए, बड़ा सही बात है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नहीं सही बात है, इतने तेल हर चीज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्या हालत कर दिया है लोगों की किसी जमाने में, और अब क्या हालत कर दिया जलाने में इन्होंने, सोचना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि मिडिल क्लास इतना अच्छा जा रहा था कि इवन लोअर मिडिल क्लास को भी देख लीजिए, लोअर क्लास काम करने वाली के घर में टीवी वगैरह फ्रिज आ गई थी, अब इन्होंने ये नौबत ला दी है कि सबके घर की टीवी फ्रिज सब बिक जाए, दिक्कत में आ गए हैं। मैम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी एफर्ट डालिए, पॉलिटिशियन हैं तो आप वैसे एफर्ट डालिए, जर्नलिस्ट हैं तो वैसे, और सिद्धांत और जो अगर अपनी अपना जो बेस्ट अप्रोच है वो हमें करना है। ओके थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते, मैं कट करता हूं।